वेलकम टू माई चैनल गाइस। आज हम लोग जिस मेडिसिन की बात करने जा रहे हैं वो ये है डेरोलैक एक्वा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक सस्पेंशन है, यू कैन सी सस्पेंशन है ये। तो इसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, सारी बात हम लोग करेंगे। इसमें 6 मिनी बॉटल्स आते हैं और एक जो बॉटल होती है वो 5 ml की होती है। ये ओपन करके मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद देख सकते हैं कि इसका प्राइस क्या है। तो यू कैन सी ये 200 रुपये के आसपास जो है ये एक पूरा पैकेट आ रहा है। और ये हमें इजीली किसी भी कंपनी की जो है वो किसी भी स्टोर से मिल सकती है। ये किस कंपनी की है, ये अरिस्टो कंपनी की है, जिसकी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। हम लोग इसको मैं ओपन करके बताती हूँ आपको ये किस तरीके से आती है। तो ये है इसमें, इसमें 6 जो है 6 मिनी बॉटल्स लिखा हुआ था, तो 6 जो बॉटल्स हैं वो निकली हैं। एक जो ट्यूब है, एक ट्यूब जो है इसमें 5 ml जो है वो इसकी क्वांटिटी है ऑफ वन ट्यूब। ठीक है, इसके बाद है कि इसमें जो स्पोर्स हैं, जो इसमें इसका इंग्रेडिएंट है, मेन जो इंग्रेडिएंट है यहाँ पे है, ये बैसिलस क्लॉजी स्पोर्स सस्पेंशन है। तो इसमें लैक्टोबैसिलस क्लॉजी जो है वो है इसमें स्पोर्स, वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, विच इज बेसिकली अ प्रोबायोटिक है। प्रोबायोटिक की तरह काम करता है। प्रोबायोटिक हम लोग किसको बोलते हैं, जो हमारे डाइजेशन को ठीक करता है, जो हमारे जो पूरा का पूरा इंटेस्टाइनल कैनाल है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, तो वो प्रोबायोटिक्स होते हैं। अगर हम लोग कोई लॉन्ग टर्म के लिए एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो उस एंटीबायोटिक का जो बैड इफेक्ट्स आते हैं उसको ठीक करने के लिए हम लोग प्रोबायोटिक का यूज करते हैं। तो दिस इज बेसिकली ए प्रोबायोटिक। इसमें ये है कि हम लोग इसमें यूज किस किस चीज के लिए कर सकते हैं। प्रोबायोटिक के लिए यूज तो करते ही हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी जिसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मेनली हम लोग इसको यूज करते हैं डायरिया के लिए। ठीक है, डायरिया, अगर किसी को दस्त होके रखे हुए हैं, डायरिया है, तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये डायरिया जो है ये कैसे हो जाता है, डायरिया जो जिसको हम लोग दस्त बोलते हैं, ये आपको फूड पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर जो छोटे बच्चे हैं जिस टाइम पे उनके दांत आते हैं, टीथनिंग होती है, उस टाइम पर उनको डायरिया की बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है और उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, ये मेडिसिन हम लोग उस टाइम पर यूज कर सकते हैं ताकि उनका जो वो डायरिया है वो ठीक रहे, बच्चे को ज्यादा तकलीफ ना हो। अब ये है, इसको हम लोग और किस किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। अगर हम लोगों को वैसे ही डाइजेशन की प्रॉब्लम्स हैं तो उस डाइजेशन को ठीक करने के लिए हम लोग इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अगर हमारी इंटेस्टाइनल हेल्थ ठीक नहीं है तो उस इंटेस्टाइनल हेल्थ को करेक्ट करने के लिए हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब इसको यूज कैसे करना है, इसको आप लोगों को बेसिकली जो है ये एक निकालना है और एक निकाल करके आपको अच्छे से इसको शेक करना है। एक निकालना है और एक निकाल कर बेसिकली आपको इसको अच्छे से शेक करना है और फिर यहां से ओपन करके जिसको भी लेना है वो डायरेक्टली माउथ में इसको ले सकता है। इसको किसी भी वाटर में, किसी भी चीज में आपको घोलना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, इसको डायरेक्टली आपको बस ले लेना है। ठीक है, अब ये चीज है कि आपको इसको लेना कितनी बार है। तो ये जो ईच है ना सस्पेंशन आपके पास, आप लोग इसको दिन में 2-3 times ले सकते हो। अगर तो एडल्ट हो तो 2-3 times भी ले सकते हो, और अगर एक बच्चे के लिए आप लोग यूज कर रहे हो तो सिर्फ आपको 2 times ही देना है उसको, 1 time सुबह और 1 time शाम को दे सकते हो। वो खाने के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, खाने के पहले भी दे सकते हो, खाने के बाद भी दे सकते हो। उसके बाद ये है कि अगर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं तो कितने टाइम तक इसको यूज करते रहें। तो इसको यूज कीजिए आप जब तक आपको ठीक नहीं हो रहे हो, यूज कीजिए, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4-5 days में फर्क आ जाएगा। लेकिन बहुत अगर हम लोग बात करें कि लॉन्ग यूज करना है तो बहुत लॉन्ग यूज इसका नहीं करना, क्योंकि किसी भी चीज का लॉन्ग यूज करने से साइड इफेक्ट तो आएंगे ही। ठीक है, तो बहुत लॉन्ग यूज नहीं करना है, आप थोड़ी देर यूज करके इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग इसको यूज करें तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं हर एक मेडिसिन के, तो इसमें क्या होगा, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और साथ ही साथ में आपको इसके यूज करने के बाद बहुत ज्यादा प्यास लग सकती है।
तो वो जो प्यास है, कॉन्स्टिपेशन होना है, वो सारे के सारे इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर आप लोग और कोई मेडिसिन ले रहे हो तो आपको कई बार डाउट्स होते हैं कि हम लोग दूसरी मेडिसिन के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली आप लोग हर एक मेडिसिन के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका ऐसा कोई भी किसी भी मेडिसिन के साथ साइड इफेक्ट नहीं आता है। तो ये तो यूजेस हो गई हैं। उसके बाद यू कैन सी, मैंने इसको यहाँ पे इसको पास में लेके आती हूँ, आप पढ़ सकते हो कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें बैसिलस क्लॉजी स्पोर्स सस्पेंशन है ये, और एक एक ट्यूब के ऊपर उसकी एमआरपी लिखी हुई है। यहाँ पे यू कैन सी हमें ऑलमोस्ट 2 ईयर्स की जो इसकी एक्सपायरी है वो भी मिल जाती है, जो कि एक अच्छा खासा टाइम है किसी भी मेडिसिन को चलने के लिए। और ये बच्चों में, बड़ों में, सब में ही बहुत ही यूज़फुल है। इस तरीके का इसका जो पैकेट है, मैंने आपको पहले भी बताया है, इस तरीके का इसका जो पैकेट है वो आता है। तो 6 मिनी बॉटल्स हैं इसमें, 200 रुपये का ये पूरा आया था, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है। और फॉर ओरल यूज़ ओनली है, ये लिक्विड है, इसको सोचकर कोई भी इंजेक्ट ना करे, इसीलिए स्पेशली लिखा हुआ है कि डू नॉट इंजेक्ट, ठीक है। बाकी आप लोग सब कुछ दे सकते हो। स्टोर एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस, और ड्राई प्लेस पे रखना है इसको, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में सारा का सारा इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको डॉक्टर ने रिकमेंड करी है, तो जिस तरीके से डॉक्टर ने आपको रिकमेंड करी है ये मेडिसिन, मैं आपको बताऊंगी कि आप उसी तरीके से लीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो आपकी कंडीशन को देख के आपको जो है वो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा आप और किसी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।